के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार को बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें कि ये बात तिगांव से पूर्व विधायक ललित नागर की माता को श्रद्धांजलि देने फरीदाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कही। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 4 महीने से किसान लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही। बीजेपी के कुछ नेता किसानों को लेकर उल जुलूल बयान देकर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार से उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम ही है, लेकिन फिर भी वह मांग करते हैं कि इस घोटाले की जांच कराई जाए। इस मामले में कई सफेदपोश भी शामिल हैं। वहीं उन्होंने बिजली के डबल बिल लेने को लेकर कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार आम लोगों पर बोझ डाल रही है, यह बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। जो प्रश्न पूछा कि बीजेपी की बात करी और प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई इस अवसर पे, जैसे मैंने कहा कि भाई क्योंकि आज हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, बहुत लंबा कोई राजनीतिक कोई बात करनी तो मैं उचित नहीं मानूंगा, मगर एक दो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका ज़रूर आपके माध्यम से। पहला तो ये जो नगर निगम में फरीदाबाद में ये 200 करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने आया है, ये ऐसा शर्मनाक घोटाला मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश का मैं इस तरह का कोई मामला मैं नहीं समझता, जहाँ जो है जनता की गाड़ी कमाई के ऊपर टैक्स लगाकर एकत्रित किया गया पैसा सरकारी एजेंसीज में जुड़े हुए लोग, राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग अपनी तिजोरी भरने के लिए उस पैसे का प्रयोग करें और धरातल पे कोई काम ना हो, इसमें बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। हम लोगों की को उम्मीद तो है नहीं, मगर कम से कम हमारी मांग है कि कोई जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बड़े बड़े सत्ता दल के लोगों से के करीबी ठेकेदारों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, कई जनप्रतिनिधियों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। जांच का विषय है, मगर जब तक जांच नहीं होगी तब तक जनता का भरोसा नहीं बनेगा। मगर एक चीज़ स्पष्ट है कि भाजपा सरकार पूर्णतः भ्रष्टाचारी सरकार साबित एक बार फिर हो गई फरीदाबाद में इस घोटाले के मामले को लेकर, तो उस बात को मैं उठाना चाहूँगा। दूसरी बात, ये जो बिजली के बिल, एक तरफ तो डीजल, पेट्रोल और गैस का सिलेंडर दुनिया में सर्वाधिक टैक्स लगाने का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़ दिया तीनों पे, और कोरोना के समय जब सारी दुनिया ने, यहाँ तक कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने भी डीजल, गैस और पेट्रोल पर टैक्स घटाकर उसको सस्ता करने का काम किया, जनता को राहत देने का काम किया, भाजपा की सरकार ने दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा ये करके दिखाया। आम आदमी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं बाकी थी, मगर अब ये जो बिजली के ऊपर, बिजली के बिलों में एडवांस के नाम पर दो दो तीन तीन गुना बिजली के बिलों को लेकर, तो उस बात को मैं उठाना चाहूँगा। दूसरी बात, ये जो बिजली के बिल, एक तरफ तो डीजल, पेट्रोल और गैस का सिलेंडर दुनिया में सर्वाधिक टैक्स लगाने का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़ दिया तीनों पे, और कोरोना के समय जब सारी दुनिया ने, यहाँ तक कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने भी डीजल, गैस और पेट्रोल पर टैक्स घटाकर उसको सस्ता करने का काम किया, जनता को राहत देने का काम किया, भाजपा की सरकार ने दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा ये करके दिखाया। आम आदमी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं बाकी थी, मगर अब ये जो बिजली के ऊपर, बिजली के बिलों में एडवांस के नाम पर दो दो तीन तीन गुना बिजली के बिलों को जनता पे का बोझ जनता पे डालने की प्रणाली लेके आई है ये सरकार, उससे बेहद रोष लोगों में है। आपके माध्यम से हम उस बात को उठाना चाहते हैं कि सरकार संयम का और इम्तिहान ना ले, आम आदमी, मध्यम क्लास के, मध्यम वर्ग के
नागरिक के संयम का और इम्तिहान सरकार ना ले। आज किसान कर्मचारी पहले ही सड़क पे हैं, अगर इस प्रकार की परिस्थिति निकली तो मध्यम वर्ग भी सड़क पे आने पे मजबूर हो जाएगा, बड़ा आंदोलन करने मजबूर हो जाएगा, जिसकी शुरुआत फरीदाबाद से हो। केंद्र सरकार का एक दिल्ली बड़ौदा मुंबई का हाईवे जाना है फरीदाबाद से होकर, और ग्रीन जो बाईपास है वहाँ 143 ऐसे जमीन है जिस पर अवैध निर्माण है, वो HSVP की जमीन है। लेट हो रहा है, प्रोजेक्ट बड़ा है, क्या कहेंगे? HSVP तोड़ नहीं पा रहा है अवैध निर्माणों को। देखिए ये केस टू केस होता है। प्रत्येक घर, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ये कितनी लंबी समय से बसासत रही है ये एक जांच का विषय होता है। तो इसमें जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए उसमें संवेदना रखी जाए और मौका मिले सबको। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।